गणपत अपने परिवार के साथ रहता था। वो और उसकी पत्नी दोनों स्वभाव से ही बहुत खड़ूस थे, जिससे गांव के लोग उनसे बहुत चिढ़ा करते थे। वो दोनों नौकरानी चंपा को भी बहुत सताते थे। काम चोर कल मुही, आजकल तुझे काम करने में मन नहीं लग रहा क्या? चल ठीक से काम कर। शाम हो चुकी है, अभी तो आधा रास्ता ही तय किया है, पता नहीं और कितना समय लगेगा। अभी तो रास्ते में चिकन भी लेना है। चिकन तो खरीद लिया, लेकिन अब घर जाने की जल्दी है। अगर इस सड़क से होकर जाऊंगा तो आज घर जाने में बहुत देर हो जाएगी। क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए, तो शायद जल्दी पहुंच जाऊं। ये इस घने जंगल में किस औरत के रोने की आवाज आ रही है? हो सकता है किसी मजदूर की पत्नी हो, जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई हो। चलो एक बार पूछ लेता हूँ। यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है? चलो आज मेरे घर रहना, सुबह होते ही अपने घर चली जाना। इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं, रात भर यहाँ मत रुको। एक काम करो, आज मेरे घर में सबके लिए खाना तुम बना दो, और कल सुबह होते ही अपने घर चली जाना। आखिरकार हम घर पहुँच ही गए। कब से तुम्हारी राह देख रही थी, आज तो बड़ी देर हो गई। अभी बताता हूँ तुम्हें सारी कहानी। अरे ये किसी मजदूर की बीवी है, घर से भागकर जंगल की सड़क पर रो रही थी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। आज का खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ही अपने घर चली जाएगी। मुझे तो इस पर शक हो रहा है कि कहीं ये चोर तो नहीं है। रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही ना चुरा ले जाए। देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। और जाओ रसोई में सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। अब जल्दी से खाना बना दो। 10 मिनट हो गए हैं, देख कर आती हूँ वो औरत क्या बना रही है, और इसी बहाने उसका चेहरा भी देख लूंगी। तू क्या कर रही है, इतनी देर हो गई, अभी तक चिकन का थैला ही निकाल रही है। वहाँ सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तू अभी तक चिकन ही निकाल रही है। कल सुबह तक बनाओगी क्या? सुन मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर ले, कुछ जरूरत हो तो बुला लेना। काफी देर हो गई है, उसे देख कर आती हूँ, ये भी देख लूंगी कि वो है कौन। हे भगवान, ये तो एक चुड़ैल है। अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हिम्मत कर उल्टे पाँव रसोई से निकल लेती हूँ। चुड़ैल आ गई है, चुड़ैल। क्या कहा चुड़ैल, अरे कहाँ है? अजीब मुसीबत में फंस गए, अभी गांव वालों को बुलाता हूँ। ओ रामू, ओ शामू, जल्दी आओ हमें बचा लो। काफी देर हो गई है, कोई भी नहीं आया। अब हमें बाबा जी के पास चलना चाहिए, वो ही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। हाँ चलो चलते हैं। बाबा जी, हम एक मुसीबत में फंस गए हैं, आप ही इस मुसीबत से हमें बचा सकते हैं। तुम वही हो ना, जिसके पास मैं एक बार एक काम लेकर गया था, और तुमने काम करना तो क्या, ठीक से बात भी नहीं की थी।
अब हमारे पास भी तुम्हारी समस्या का कोई भी समाधान नहीं है। ऐसा लगता है गांव वाले हमसे नाराज हैं। हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। घर के बाहर आग जलाकर किसी तरह रात बिताते हैं। सुबह गांव वालों से माफी मांगेंगे। चलो गांव वालों से माफी मांगते हैं। उधर गांव वाले रामू के घर के आगे इकट्ठा होकर गणपत और विमला के खड़ूस रवैये को लेकर चर्चा कर रहे थे। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, सारे गांव वाले एक जगह मिल गए। मैं सभी से माफी मांगता हूँ। हमें माफ कर दो, हम लोगों ने आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। हमें अपने किए पर पछतावा है। हमें खुशी हुई कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। हम लोग तुम्हें माफ करते हैं। अब आप हमें एक मुसीबत से बचा लो। क्या है तुम्हारी समस्या? बाबा जी को साथ लेकर हम लोग तुम्हारे घर चलते हैं। कहाँ है चुड़ैल? बाबा जी उसे ठिकाने लगाएंगे। अब मैं अपनी विद्या का इस्तेमाल करता हूँ। ओम क्री 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 चुड़ैलम स्वाहा। कहाँ है चुड़ैल? जल्दी से बाहर निकल। कौन है जो मुझे जलाने की कोशिश कर रहा है? कौन है? कौन है तुम और यहाँ क्यों आई है? मेरा नाम चंपा था। मैं इसी घर में नौकरानी थी। गणपत और विमला मुझे बहुत सताते थे। एक दिन मैं जा रही थी कि रास्ते में एक गाड़ी से मेरी टक्कर हो गई, जिसके बाद मेरी मौत हो गई। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। अब मैं गणपत और विमला का खून पीकर मुक्त होना चाहती हूँ। ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ न्याय करूँगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुक्ति